हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ इज इजी। मैं आकृति, मैं यहाँ शेयर करती हूँ अपनी रेसिपीज और उससे रिलेटेड इजी कुकिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्दियों के मौसम की गुनगुनी धूप के साथ कॉफी पीने का मजा ही कुछ और है। साथ में अगर महिला मंडली जमी है और गपशप चल रहा है, इसी बीच आप उठिए, फटाक से कॉफी बनाकर सभी को सर्व करिए बिना कॉफी मेकर के। 5 मिनट में झाग वाली कॉफी। सभी फ्रेंड्स पूछेंगी, भाई कॉफ़ी मेकर कब लिया, हमें बताया नहीं। और आप मुस्कुराकर कहेंगी, ये तो मेरे हाथ का कमाल है। इसके लिए आपको 10 से 20 मिनट तक लगातार कॉफ़ी को चम्मच से फेंटते फेंटते हाथों को कष्ट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बताऊंगी आपको इजी ट्रिक, जिससे 5 मिनट में झाग वाली कॉफ़ी बनकर रेडी हो जाएगी। स्टेप बाय स्टेप मैं सारी ट्रिक बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने सारी सामग्री इकट्ठी कर ली है। मैंने ली है 150 मिलीलीटर फुल क्रीम मिल्क, कॉफ़ी पाउडर, चीनी, चॉकलेट पाउडर, ये ऑप्शनल है और आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। गैस ऑन करके मैं इस पर पैन डाल रही हूँ। फ्लेम को मैंने लो कर दिया है और मैं इसमें 3 चम्मच पानी डाल रही हूँ, जिसे मैं गुनगुना गर्म करूँगी। पानी गर्म हो गया है, देख सकते हैं आप। अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। मैंने ली है मिक्सी, ये तो हर घर में आसानी से अवेलेबल होता है, और मिक्सी का स्मॉल जार, उसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 टेबल स्पून कॉफ़ी पाउडर। आप अपने टेस्ट के अनुसार डालिए, जैसे आप स्ट्रॉन्ग लेना चाहते हैं तो आप ज़्यादा कॉफ़ी पाउडर डाल सकते हैं, और मैंने अपने स्वाद के अनुसार चीनी डाली है, और गुनगुना पानी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। पानी को मैंने ज़्यादा गर्म इसीलिए नहीं किया है क्योंकि ज़्यादा गर्म कर देने के बाद पानी को कॉफ़ी और चीनी के साथ ब्लेंड करने पे हाथ जलने का डर रहेगा और उसे ब्लेंड करने में परेशानी होगी, इसीलिए मैंने पानी को गुनगुना गर्म किया है। कॉफ़ी, चीनी और पानी तीनों को मैंने डाल दिया है जार में। देखिए मैं आपको नज़दीक से दिखा रही हूँ। अब इसे मैं करीब 1 मिनट तक लगातार मिक्सी में ब्लेंड करूँगी। मिनट हो गए हैं और मिक्सी को ऑफ करके मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए इस तरीके से ये अभी थोड़ी सी गाढ़ी हुई है, इसे 1 मिनट और ब्लेंड करके और गाढ़ा करना है। 1 मिनट दोबारा से ब्लेंड करने के बाद मैंने मिक्सी को ऑफ कर दिया है। अब इसे मैं चेक कर लेती हूँ। देखिए कॉफ़ी, चीनी और पानी बिल्कुल स्मूथ हो गई है। तो देखिए 2 मिनट के अंदर बिना मेहनत के मैंने कॉफ़ी को फेंट लिया है। और अब दूध उबाल लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे 150 ml दूध डाल दिया है और एक उबाल लाने के बाद इसे बंद कर दूंगी। गैस का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। दूध उबलने लगा है, अब मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ। ब्लेंडिंग जार में मैंने जो कॉफ़ी फेंटी है उसे मैं कॉफ़ी मग में डाल रही हूँ। देखिए इसमें कितना झाग है, इस सारे झाग को अच्छी तरीके से चम्मच से कॉफ़ी मग में डाल लेना है। और यहाँ पे एक और ट्रिक फॉलो करना है। गर्म दूध के पैन को कॉफ़ी मग से करीब 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई पे रखते हुए धीरे धीरे दूध को कॉफ़ी मग में गिराना है। इसमें थोड़ी सी सावधानी और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। देखिए मैं धीरे धीरे दूध गिरा रही हूँ कॉफ़ी मग में, और ये देखिए झाग वाली कॉफ़ी बन के बिल्कुल रेडी है। चलिए मैं इसका झाग आपको दिखाती हूँ। तो बनकर रेडी है बिना कॉफ़ी मशीन के झाग वाली कॉफ़ी। आप चाहें तो इसके ऊपर चॉकलेट पाउडर डाल सकते हैं, मैं चॉकलेट पाउडर डालकर पीना पसंद करती हूँ, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट पाउडर डाल दिया है। आप नहीं चाहें तो नहीं भी डाल सकते हैं।
उम्मीद करती हूँ कॉफ़ी बनाने की ये इजी ट्रिक आपके लिए यूज़फुल होगी और आपका टाइम भी बचेगा। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, प्रेस करिए बेल आइकन को, जिससे फ्यूचर में आने वाली मेरी सभी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहेंगी। मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हेल्दी खाइए, खुश रहिए।